गॉड कृष्णा घर पे नहीं है, वरना बाहर जाने को लेकर 100 सवाल पूछता। अरे भाभी संभल के, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं आप? वो अरे बहू, चाल में तेजी, ये माथे पर पसीना, भाई इसका तो एक ही मतलब होता है, या तो आदमी चोर है या तो आदमी के मन में चोर है। नहीं माँ जी, वो मुझे कुछ सामान लेना था इसीलिए बाहर जा रही हूँ। हाँ हाँ, तो हड़बड़ा कह रही हो, जाओ, हमने कब रोका है? अरे माँ, ये भाभी है ना, टोकने वोकने पे भरोसा नहीं करती, अंधविश्वास समझती है इन सब बातों को। आप खुद ही सोचो माँ, जो तीज जैसे व्रत को कुछ नहीं मानती, तो इनके लिए ये सब क्या है? मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। देखा माँ, ये है ये महारानी का रोज का नाटक, बस भैया गए नहीं और बैग लेकर उड़न छू लेती है। गली में आगे कृष्णा नाम का कोई रहता है क्या? आगे रहता। अच्छा आगे, अच्छा ठीक है। ड्राइवर भैया, अभी हम सोमू को देख के आते हैं 5 मिनट में। हाँ आप यहीं रुकिएगा। सुहानी देख, मैं आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना ड्राइवर भैया कह रहे थे कि गली में और गाड़ी खड़ी रहती तो जाम लग जाता। हाँ सही बात है, इसीलिए तो मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके आई। गाड़ी? कृष्णा ने गाड़ी ले ली? हाँ, और हम यहाँ कुछ ही दिन के लिए रह रहे हैं। वो हमने नया घर लिया है ना, उसके इंटीरियर्स अभी बाकी, जब वो हो जाएगा तो हम आराम से वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। बस कृष्णा का काम अच्छे से चलता रहे, फिर मैंने सोचा है कि आगे वाले साइड हम लॉन रहने देंगे, पर पीछे वाली साइड लॉन की जगह स्विमिंग पूल बनवा देंगे। अच्छा, और हम तुम्हें उसी पूल में धक्का दे देंगे। कब तक यहाँ खड़े रखोगे? चलो कृष्णा जीजू से भी मिल लेते हैं और उनके मम्मी पापा से भी मिल लेंगे, बेचारे को कितना कोसा है हमने, कम से कम अब तो थोड़ी इज्जत दे दे। सुहानी तुम एक काम कर, तू यही रुक, मैं उनसे जाके पूछती हूँ, वो आज ही सफर करके आए ना, तो कहीं आराम ना कर रहे हो। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, हम वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ। बोल के गई थी, आधे घंटे हो गए, बोला तो था कि इधर ही जाएगी, एक बार चल के ही देख लेते हैं। ऐसा कौन सा काम था जो तुम इतने जल्दी निपटा के वापस आ गए? वो माँ जी, माँ जी बाहर बहुत गर्मी है,
इसीलिए मैं रुमाल लेने आई थी। वैसे हम तो गांव के लोग हैं, पसीना पल्लू से पोछ लेते हैं, लेकिन तुम तो साड़ी पहनती कहाँ हो, हाँ? बड़े घर की बेटी हो तो बड़े बड़े शौक। अच्छा है, जाओ। अरे सुनो बहू, हम आराम करने जा रहे, थोड़ी देर सोएंगे, तो हमें परेशान मत करना, हाँ? जाओ। सौम्या, अरे घर पे तो ताला लगा हुआ है, अब क्या करें? सब लोग कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ देखना, और मैं तो चाबी लेना भी भूल गई। ओहो, अब क्या करें? चल हम मार्केट चलते हैं, या फिर गंगा घाट बोटिंग करेंगे। आजा। अरे इतनी धूप में? तू कब से धूप छांव देखने लगी? अरे यार, जब से बिरला परिवार की बहू बने, क्या करें, अपने लिए ना सही दादी का दिल ना दुखे, इसलिए ये सब करना पड़ता है। तुमने भी तो बताया कि तुम्हारे सास ससुर थके हारे आए, अब उनको छोड़ के इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, यहीं बैठ के आराम से गप्पे मारते हैं और इंतजार करते हैं। हे भगवान, अब क्या करूं? राखी और माजी से मिलकर सुहानी को अच्छा नहीं लगेगा, और कृष्णा को सुहानी का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्या करूं? कैसे ले जाऊं सुहानी को यहाँ से? अच्छा सोमू, एक काम करो, कृष्णा को फोन कर लो और पूछो कि वो है कहाँ और कब आएगा। कृष्णा फोन नहीं लेके गया, ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। आजा, चल चल हम चलते हैं। हाँ मम्मी। क्या इस वक्त मक्खन के पराठे बनाए? मम्मी लेकिन हम बाहर हैं। बाहर नहीं, हम तो घर के बाहर हैं। चल ना, घर चल के पराठे खाते हैं। चल। लेकिन सोमू, तू लेकिन लेकिन छोड़, चल ना, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा रुक। हाँ मम्मी, मम्मी हम घर आ रहे हैं, और आपके लिए एक सरप्राइज है। ओहो, आप सब यही बता दें, घर आके बताएंगे। हाँ बाय। अब देर नहीं करते, हाँ चले। प्रतिमा जी। माँ जी, तुम्हारी लाडो रानी कहाँ है? वो कहीं बाहर गई है। बाहर कहाँ? जी मैंने पूछा नहीं माँ जी। क्यों, ये कोई होटल है कि जब मन करे आ जाओ, जब मन करे चले जाओ? नहीं माँ जी, सुहानी ऐसी नहीं है, वो शायद युवराज के साथ कहीं गई होगी, वो भी तो नहीं दिख रहा है ना। हेलो दादी। हेलो बेटा। युवराज बेटा, ये बताओ तुम्हारी श्रीमती जी कहाँ है? पता नहीं। देखा जीजी, कैसे चौड़े से सबके सामने बिना बताए घूम रही है ये सुहानी भाभी, और कोई कुछ नहीं कह रहा। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया है सुहानी ने इस घर पर, कि इवन दादी भी उसकी गलतियों को इग्नोर करने लगी है। जीजी मैं तो कहती हूँ ना, सुहानी भाभी से हमें बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इस घर में इसी के अच्छे दिन आने वाले हैं। शट अप मेनका। भी अजीब लग रहा है, वो कभी घर से बिना बताए जाती नहीं है। तुम लोगों ने सर पे जो चढ़ा रखा है उसे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं फोन करके पूछता हूँ कहाँ है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।